गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अध्याय 6 है एकता में शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? पाठ 6 है एकता में शक्ति। इस पाठ में एक पिता द्वारा पुत्रों को समझाया गया है कि एकता में शक्ति होती है। इसका पाठ परिचय देखिए। एकता में शक्ति होती है। समूह में रहकर, समूह यानी एक साथ रहकर हम किसी भी कठिनाइयों का सामना, कोई सी भी हमारे सामने कठिनाई आ जाए, हम उसका सामना कर सकते हैं। इस पाठ में यही बताया गया है। अब देखिए, इस पाठ के अंदर एक गंगा शरण के एक व्यक्ति था, गंगा शरण। उसके 5 लड़के थे। कितने लड़के थे? 5 लड़के थे। मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। ये 5ों लड़के परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर आपस में तूतू मैमे करने लगते और मारपीट करने लगते थे। गंगा शरण अपने लड़कों के झगड़े से बहुत परेशान था। वह उन्हें समझाता पर वे नहीं मानते थे। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने लकड़ी की पतली पतली सूखी टहनियों को इकट्ठा कर एक छोटा गट्ठर बना लिया और फिर अपने 5ों पुत्रों को बुलाकर उसने कहा तुम लोगों में से जो इन टहनियों के गट्ठर को तोड़ देगा उसे क्या मिलेगा? पुरस्कार। 5ों लड़के आपस में झगड़ने लगे कि गट्ठर को पहले मैं तोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि दूसरा भाई पहले तोड़ देगा तो पुरस्कार उसे मिल जाएगा। उन्हें झगड़ते हुए देखकर गंगा शरण ने कहा, पहले छोटे भाई श्याम को गट्ठर तोड़ने दो। श्याम ने गट्ठर उठा लिया और जोर लगाने लगा। दांत दबा कर, आंख मीच कर उसने बहुत जोर लगाया। सिर पर पसीना आ गया, किंतु गट्ठर की टहनियां नहीं टूटी। उसने गट्ठर रमेश को दे दिया। रमेश ने भी जोर लगाया, परंतु वह भी तोड़ नहीं सका। इस प्रकार सभी लड़कों ने बारी बारी से गट्ठर लिया और तोड़ने का प्रयास किया, किंतु उनमें से कोई भी उसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका। गंगा शरण ने गट्ठर खोलकर एक एक टहनी सभी लड़कों को दी और कहा, अब इसे तोड़ो। इस बात सभी ने टहनियों को आसानी से तोड़ दिया। अब गंगा शरण ने समझाया, देखो टहनियां जब तक एक साथ थी तुम लोगों में से कोई उन्हें नहीं तोड़ सका, और जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने सरलता से इनको तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे और अलग अलग रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से दबा लेंगे। यदि तुम लोग परस्पर मेल से रहोगे तो कोई भी तुमसे शत्रुता करने का साहस नहीं करेगा। गंगा शरण के लड़कों ने उसी दिन से आपस में झगड़ना छोड़ दिया। वे प्रेम भाव से रहने लगे। बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है, अतः हमें परस्पर मिलकर रहना चाहिए। अब ये हमारा एकता में शक्ति का पाठ था। इसके शब्दार्थों को देखिए। इसके शब्दार्थ हैं एकता में शक्ति के, परस्पर आपस में, परस्पर आपस में, उपाय साधन युक्ति, उपाय साधन युक्ति, झगड़ना लड़ना, झगड़ना लड़ना, आंख मीच कर, आंखों को कस कर बंद करना, आंख मीच कर, आंखों को कस कर बंद करना, शक्ति सामर्थ्य बल, शक्ति सामर्थ्य बल, गट्ठर बहुत सी
लकड़ियों का एक साथ बंधा होना। बहुत सी गट्ठर का अर्थ क्या होता है, बहुत सी लकड़ियों का एक साथ बंधा होना। आगे देखिए साहस, हिम्मत। साहस का क्या होगा, हिम्मत। शत्रुता, वैर भाव। शत्रुता, वैर भाव। इन जो शब्दार्थ यहाँ पे हैं, इनको आपको कॉपी में करना भी है और आपको क्या करना है, इसको लिखना भी है, याद भी करना है, और आप लाइन टच करके वर्क करिए और राइटिंग का और मात्राओं का विशेष ध्यान रखिए। आज ये हमारा यहाँ पे आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। धन्यवाद।